एक चीज और जो भाई साहब ने कही कि कहीं मशीनों की गड़बड़ तो नहीं थी, मशीनों की गड़बड़ जो है अगर होती है तो मेरे को नहीं पता होती है कि नहीं होती, अगर होती है तो एक लिमिटेड होती है। मान लो वो कहते हैं 10,000 वोट इधर से उधर करने हैं, 5,000 वोट इधर से उधर करने हैं, तो जैसे पिछली बार आपने जम के वोट दिया था, कई इलाकों के अंदर हमारा एक एक एमएलए भाई साहब 70,000 वोट से जीत गया, तो आप लोगों ने मशीनों को भी हरा दिया। मान लो उन्होंने मशीनों में 5,000 वोट की हेराफेरी कर रखी थी, आपने मशीनों को भी हरा दिया। इस बार भी इस बार जम के वोट देना, मशीनों को भी हराना है, दूसरी पार्टियों को भी हराना है, ताकि वापस आम आदमी पार्टी की सरकार आ सके। एक चीज सोचना, मैं कई बार सोचता हूं, पिछली बार अगर आप लोगों ने दिमाग से काम लेके वोट नहीं डाला होता, आम आदमी पार्टी की जगह किसी और पार्टी को वोट दे दिया होता, क्या आपके स्कूल ठीक होते? क्या आपके अस्पताल ठीक होते? क्या आपकी बिजली ठीक होती? क्या आपके पानी ठीक होता? नहीं होता। जैसे बाकी देश के अंदर जो ढांचा चल रहा है वैसे ही चलता रहता। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर आने वाले चुनाव में आपने किसी दूसरी पार्टी को जिता दिया, बस अभी स्कूल वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे, अस्पताल वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे, बिजली पानी का हाल वैसा का वैसा हो जाएगा। इसलिए इस ईमानदार राजनीति को जो एक छोटा सा पौधा है, हम सब लोगों को मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान से कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली को अब ये मोहल्ला क्लिनिक है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आता है। लेडी है, मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आई नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर। मेरे साथ 2-3 झुग्गी बस्तियों में जाके मोहल्ला क्लिनिक देख के आई है। ये देश के लिए गर्व की बात है कि हमने कुछ ऐसा किया। हमारे स्कूल इतने शानदार हो गए, अगर आपने कुछ दिल्ली सरकार के, क्योंकि एनडीएमसी एरिया में दिल्ली सरकार के स्कूल नहीं है, आप जरा देख के आइए, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल भी ऐसे हो सकते हैं। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो आज बिजली की व्यवस्था है, केवल पूरे देश में अकेला शहर दिल्ली है जिसमें 24 घंटे बिजली आज लोगों को मिल रही है। पूरे देश में किसी शहर के अंदर 24 घंटे बिजली है, पावर कट लगते हैं पूरे देश के अंदर। दिल्ली अपनी बिजली नहीं बनाती, हम दूसरे राज्यों से बिजली खरीदते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से बिजली खरीद के पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली को दे देते हैं। और उसका एक ही कारण है कि आज दिल्ली में ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार कम करके इतने पैसे बचा लिए हम लोगों ने, इतने पैसे बचा लिए। अभी परसों एक मेजर अनाउंसमेंट होने वाला, मैं आपको पहले थोड़ा सा इंडिकेशन दे देता हूं, एक सुझाव आ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके अगर एक बड़ा, महिलाओं की सुरक्षा को लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर महिलाओं को एनकरेज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो महिलाओं के लिए डीटीसी में और मेट्रो के अंदर दिल्ली सरकार इस पे विचार कर रही है कि सारा किराया महिलाओं का माफ कर दिया जाए, महिलाओं के लिए दोनों ट्रेवल जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। अब ये किस कैसे कर पा रहे हैं? हमारे, मेरा अपना पैसा थोड़ी है, वही पैसा था जो पहले सरकारों के पास था, हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। पैसा भ्रष्टाचार खत्म करके वो इतना पैसा बचाते जा रहे हैं, इतना पैसा बचाते जा रहे हैं। आपकी बिजली सस्ती कर दी, पानी मुफ्त कर दिया आपके लिए, अब मेट्रो का किराया वो कर देंगे, हर चीज के अंदर सहूलियत पे सहूलियत मिल रही है। तो इस सरकार को आगे बढ़ाने का और इसको आशीर्वाद देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है।